पृथ्वी के चारों ओर एक बड़ा रॉकेट अनियंत्रित होकर चक्कर लगा रहा है और आने वाले कुछ दिनों में ये धरती पर वापस गिर सकता है। चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का कोर स्टेज है जिसका वजन 21 टन है। कोर स्टेज के जरिए ही रॉकेट को सपोर्ट दिया जाता है। पिछले हफ्ते चीन ने अपने स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए पहला मॉड्यूल लॉन्च किया था। इस लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के कोर स्टेज को समुद्र में बनाए गए जगह पर गिरना था, लेकिन इसके बजाय ये धरती पर चक्कर काटने लगा। स्पेस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में रॉकेट का ये हिस्सा पृथ्वी पर गिर सकता है। पृथ्वी पर चक्कर लगाने वाली वस्तुओं को ट्रैक करने वाले एस्ट्रोनॉमर जॉनथन मैकडॉवल ने कहा कि वर्तमान स्टैंडर्ड को देखते हुए इसे बेकाबू होकर पृथ्वी में प्रवेश करने देना खतरे से खाली नहीं है। साल 1990 के बाद से 10 टन से ज्यादा किसी भी वस्तु को फिर से पृथ्वी में दाखिल होने के लिए ऑर्बिट में नहीं छोड़ा जाता है। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश होने पर कोर स्टेज का क्या होगा? चीन के इस रॉकेट का कोर स्टेज 100 फीट लंबा और 16 फीट चौड़ा है। रॉकेट का कोर स्टेज जब ऑर्बिट से निकलकर पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेगा तो इसके जलने की संभावना है, लेकिन इसके बाद भी कोर स्टेज के बड़े हिस्से मलबे के रूप में धरती पर गिर सकते हैं। हमारे ग्रह का बड़ा हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है, ऐसे में रॉकेट के हिस्सों के वहीं पर गिरने की संभावना है, लेकिन फिर भी आसपास के इलाके के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेस सेफ्टी प्रोग्राम के प्रमुख होल्गर क्रैग ने कहा कि ऑब्जेक्ट के डिजाइन को जानने के बिना किसी भी चीज के टुकड़ों की संख्या का पता लगाना हमेशा मुश्किल भरा होता है, लेकिन एक उचित नियम यह है कि किसी भी वस्तु के 20 से 40 फीसदी टुकड़े हमेशा बच जाते हैं। जॉन्स ने कहा कि पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहे रॉकेट बॉडी का रास्ता न्यूयॉर्क, मैड्रिड और बीजिंग की तुलना में थोड़ा सा उत्तर है। इसके अलावा ये दक्षिणी चिली और न्यूजीलैंड के वेलिंगटन के दक्षिण में है, ऐसे में ये इस रेंज में कभी भी गिर सकता है। अटलांटिक महासागर में गिरा चीन का रॉकेट। चीन ने पिछले साल 5 मई को अपने मून मिशन के लिए तैयार किए गए रॉकेट CZ-5B यानी लॉन्ग मार्च 5B और प्रोटोटाइप स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया था, लेकिन 6 दिन बाद यानी 11 मई 2020 को CZ-5B यानी लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क और हॉलीवुड के ऊपर से गुजरता हुआ अटलांटिक महासागर में जा गिरा, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि अगर ये रॉकेट न्यूयॉर्क के ऊपर गिर जाता तो भारी तबाही आ सकती थी। इस चीनी रॉकेट का वजन लगभग 18,000 किलो का था और 11 मई को ही ये अटलांटिक महासागर में गिरा था। इसके अवशेष 30.48 मीटर के मापे गए हैं। साइंस अलर्ट के रिपोर्ट के मुताबिक ये पिछले कुछ दशकों में मानव निर्मित अंतरिक्ष अवशेषों में से सबसे अहम अनियंत्रित गिराव है। हैरानी की बात यह है कि अंतरिक्ष से गिरते हुए इस CZ-5B रॉकेट पर चीन का कोई नियंत्रण नहीं था। चीन पूरी तरह से रॉकेट पर से अपना नियंत्रण खो चुका था। अगर ये जरा सा भी दिशा से चूकता और जमीन पर गिरता तो न्यूयॉर्क या हॉलीवुड में भारी तबाही मचा सकता था, क्योंकि ये 100 फीट लंबा और करीब 18,000 किलोग्राम वजनी था। दरअसल तकनीकी खराबी के चलते रॉकेट अनियंत्रित हो गया था और उसका बड़ा हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल में गिरने लगा। स्पेस फ्लाइट नाउ के रिपोर्ट में कहा गया है कि ये पिछले 3 दशकों में पृथ्वी के वायुमंडल में लौटने वाला सबसे बड़ा स्पेस जंक है। चीन का वो मिशन भी स्थायी स्पेस स्टेशन को चलाने और चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए बेहद जरूरी मिशन था। लॉन्च पैड से लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट ने उड़ान भरी और करीब 9 मिनट बाद एक मानव रहित प्रोटोटाइप अंतरिक्षयान को उसकी तय कक्षा में पहुंचा दिया गया था। 8 मई को ये स्पेस शिप सफलतापूर्वक वापस धरती पर लौट आया था। इस स्पेस शिप में पैराशूट की जगह गद्दे दिए गए थे, लेकिन रॉकेट अंतरिक्ष में ही तैर रहा था और आखिरकार किसी खराबी की वजह से 11 मई को अटलांटिक महासागर में आ गिरा। चीन के उस रॉकेट ने अंतरिक्ष में कई दिन का समय भी बिताया था, लेकिन उसके बाद ये पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आ गया और क्रैश हो गया। सोचिए अगर ये अमेरिका के न्यूयॉर्क पर या किसी और शहर पर गिरा होता तो कितनी तबाही होती। 2017 में फेल हो गया था लॉन्ग मार्च 5। साल 2020 से पहले भी चीन अंतरिक्ष में बादशाहत कायम करने के लिए अपने सबसे ताकतवर रॉकेट यानी लॉन्ग मार्च 5 के विकास में तेजी से लगा था। हालांकि उसे लगातार नाकामी का मुंह देखना पड़ा। जुलाई 2017 में प्रक्षेपण बीच में ही असफल हो गया था। तब लॉन्ग मार्च 5 Y2 के जरिए शिजियान 18 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, लेकिन ये लॉन्चिंग फेल हो गई थी। उससे पहले चीन ने लॉन्ग मार्च 5 की नवम्बर 2016 में टेस्ट लॉन्चिंग की थी, जिसे चीन से सफल करार दिया गया था। बताया जा रहा है कि ये रॉकेट 25 टन वजन ले जा सकता है।